सोचो तुम एक रेगिस्तान में हो, खाने को एक मोटी रोटी जो इतना कड़ा कि पानी में डुबोकर खाना पड़ता है, सोने के लिए एक कमरा तक नहीं, ऊपर से रेतीला आंधी, पानी बस दो घूंट पीने को मिलेगा, वो भी तब अगर आप काफिल के भेड़ और ऊंट को चराओगे, उसका दूध निकालोगे। अगर गलती से पानी आप अपना मल मूत्र धोने के लिए इस्तेमाल करते हो तो बदले में आपको चाबुक की चुभन वाली मार मिलती है। कोई रास्ता नहीं मिलता तो आपको अपना मल मूत्र उसी रेत से धोना पड़ता है। इतना ही नहीं, आपको ये तक पता नहीं चलता अब कब से इस रेगिस्तान में खुले आसमान में एक बंद पिंजरे में कैद हो। हालात के आगे आप घुटने टेक देते हो, क्योंकि आप जब भी भागने का सोचते हो तो वह काफिला आपको पकड़ लेता है, आप पे इतना अत्याचार करता है कि आप लंगड़ते हो, आप ना चल पाते हो, कहने के लिए कोई डॉक्टर नहीं, आपको दवा नहीं, बस अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है, धूप से अपने जख्म को सहलाना पड़ता है। सबसे कनेक्शन के तार कट चुके हैं, काफिल आपको मजबूर मजदूर बनाकर रखता है। मानो ये दर्द आपको महसूस हो रही हो। जी हाँ, मैं एक ऐसी मूवी की बात कर रहा हूँ जो वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल मूवी है, आदु जीवितम द कोर्ट लाइफ। कहने को ये मूवी 3 महीने पहले हॉल पर रिलीज ले चुकी, लेकिन इसका इंतज़ार मुझे कुछ दिनों से था क्योंकि लास्ट फ्राइडे ये मूवी रिलीज हुई। इसके रिलीज होते ही मैंने इस मूवी को देखा और बिलीव मी, ये मूवी देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल मूवी ऑफ 2024। और आप हॉलीवुड को भूल जाओगे भाई साहब, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये एक मूवी रियल बेस्ड स्टोरी पे है, जहाँ एक नजीब नाम का कैरेक्टर है जो अपने केरल जैसे छोटे से गांव से निकलकर सऊदी अरब में एक कर्मचारी का काम चाहता है करना, कुछ पैसे कमाना चाहता है ताकि अपने आप को और अपने घर वालों को एक अच्छी ज़िंदगी दे। बस जैसे ही वो सऊदी अरब का एयरपोर्ट पहुँचता है, लैंग्वेज इशू के कारण वो कुछ बुचर खाने में फंस जाता है, उसको धोखे से लाया जाता है और भेड़ बकरियों को चराने यानी उनकी देख रेख करने के लिए उसे रखा जाता है। बस वो कैसे सरवाइव करता है, क्या वो बचता है, अगर बचता है तो कैसे बचता है, इसी के बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। क्यों देखें ये फिल्म? ये फिल्म आपको अंदर से हिला डालती है। किसी दूसरे देश में जब आप फंस जाते हो तो उसके साथ क्या कुछ होता है, एक पल के लिए आप मजबूरन सोचते हो क्या मैं कभी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाऊंगा? एक बूंद पानी के लिए तरस जाना, जानवर के बीच में जानवर जैसा रहना, विदेशी पैसा ना आने पर आप खुद को व्यक्त ना कर पाते हो, उस दर्द को आप महसूस करते हो। मूवी एक रियल स्टोरी पर आधारित है जिस पर एक नोबल भी लिखी गई है। ये मूवी ना आपको मसाला देगी, ना एक्शन, ना 600 करोड़ वाला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मगर एक रियल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो आपका आज भी अच्छे मूवी पर विश्वास कायम रखती है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो भाई मेरे हाथ पे अगर ऑस्कर देना होता, मैं खुद पृथ्वीराज के घर जाके उनको ऑस्कर पहुंचा आता। भाई अभिनय का ऊंचा स्तर को वो छूकर इतने आगे निकल चुके हैं कि मानो अब पता चलता है कि 16 साल इस मूवी को बनने में क्यों लगे। एक सीन है जहां वो 3 साल बाद नहाने जाते हैं, उनका एक न्यूड शॉट है, मानो पीठ और पेट चिपक सा गया है। भाई उनका डेडिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको सल्यूट है। एक जब वो नहा के बाहर निकलते हैं और पैंट पहनते हैं, उनका पैंट लिटरली पहने लगता है। अब वो एक रस्सी के टुकड़े को निकाल के अपनी कमर में बांधते हैं। बाकी एक्टर्स ने भी बहुत उम्दा कलाकारी की है भाई साहब, हिल सा गया मैं। डायरेक्शन प्लेसी ने इस मूवी को बनाकर एक ब्लेसिंग दे दिया है, अपने डायरेक्शन का लोहा मंडवा दिया है। किरदार के दर्द एंड सर्वाइवर स्ट्रगल को इस तरह तीर की तरह हमारे सीने में चुभोते हैं, मानो दर्द हमें हो रहा है। गजब का रॉ फुटेज, VFX तो VFX है मगर उसमें जो सीन्स दिखाए गए, रेगिस्तान का सीन्स दिखाया गया, आपको इतना रियल महसूस होता है कि आपको एक पल को लगता है कि आप उस रेगिस्तान में फंस चुके हों। बात करता हूँ म्यूजिक की, बैकग्राउंड म्यूजिक अगर लेजेंडरी AR रहमान की हो तो आप समझ जाओ क्या उम्दा काम होगी। फिल्म के हर मूड को सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और फिल्म के हर फ्लो को बेहतरीन तरीके से बांध कर रखते हैं।
तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखी तो टेक डालो, क्योंकि ये मूवी आपको एक ऐसा सीख देता है कि आप ये रोना भूल जाओगे कि मेरे लाइफ में ये स्ट्रगल है, उसकी लाइफ में ये स्ट्रगल है। आप अपने लाइफ को दूसरे के लाइफ से कंपेयर करना बंद करोगे, क्योंकि ऐसे भी लाइफ इंसान जीता है, उसको नहीं पता कि क्या वो कल घर को जा पाएगा, क्या वो ज़िंदा रह पाएगा, क्या उसको एक बूंद पानी तक मिलेगी, नहीं। तो अपनी स्ट्रगल की कदर करो, क्योंकि आज जो है ये ज़रूरी नहीं कि कल हो, और आपके पास आज जो नहीं ये ज़रूरी नहीं कि कल ना हो। तो अपनी स्ट्रगल की कदर करो, इस मूवी को देख डालो और कमेंट करो आपको ये मूवी कैसा लगा। एंड आई गारंटी आपका कमेंट पॉजिटिव होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।